पहला जो है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड में क्या होता है, सिस्टम से सराउंडिंग, किसी सिस्टम से सराउंडिंग में ना तो मास का एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी का, दोनों चीज़ का एक्सचेंज नहीं होता है। इसका एग्जांपल है, आप देख सकते हैं थर्मस फ्लास्क जिसमें चाय रखते हैं, थर्मस फ्लास्क जो है उसमें देखेंगे तो आप जैसे चाय रख देते हैं वैसे ही रहता है। तो ये आइसोलेटेड का एग्जांपल हो गया। अब दूसरा देखते हैं क्लोज सिस्टम का क्या है। क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या होता है, सिस्टम से सराउंडिंग में क्लोज्ड है, एनर्जी का तो एक्सचेंज हो जाता है बट मास जो रहता है वो उतना का उतना ही रहता है। मतलब मास का एक्सचेंज नहीं होता है, एनर्जी का एक्सचेंज हो जाता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, हॉट आयरन ले लें, आयरन रॉड ले लें, हॉट आयरन पीस ऑन टेबल, देखेंगे मास जो रहेगा मास उतना ही रहेगा लेकिन वो कुछ टाइम में ठंडा हो जाएगा, तो एनर्जी का एक्सचेंज हो जाता है। तीसरा जो आता है वो ओपन सिस्टम है। क्या है ओपन सिस्टम, जिसमें सिस्टम से सराउंडिंग तक मास और एनर्जी जो है दोनों एक्सचेंज हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, बॉइलिंग वाटर जो हो, बॉइलिंग वाटर इन ओपन वेसल, इसका बेस्ट एग्जांपल है। थैंक यू।